साथियों, ये पूरा क्षेत्र तो खेत खलिहान से लेकर खेल और युद्ध के मैदान तक राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने वालों का है। ये तीनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन तीनों में दो बातें कॉमन है, सामान्य है। पहली बात, इन तीनों में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर करके भरी होती है। दूसरी बात, इन तीनों ही क्षेत्रों में श्रम शक्ति, तप, त्याग और तपस्या के संस्कार होते हैं। भाइयों और बहनों, जब ये दोनों बातें एक साथ आ जाती है, तब किसी राष्ट्र को ताकतवर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही कारण है कि हरियाणा की देश की इसी शक्ति को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। हमारे युवाओं की फिटनेस के लिए, उनको व्यायाम की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान देश में चल रहा है। खेलो इंडिया अभियान से गांव के स्तर पर छोटे छोटे बालक बालिकाओं की प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रतिभा की पहचान से लेकर ओलंपिक के मैदान तक खिलाड़ियों को आज सुविधाएं दी जा रही है। हमारे खेलों में पारदर्शिता और प्रोत्साहन की इस नई रति नीति के हरियाणा के मेघावी खिलाड़ियों को बहुत लाभ हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे युवा साथी खेलों से ज्यादा जुड़े और फिर समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। यही कारण है कि बेटी बबीता जी जैसे अनेक साथी भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं और आज आपके बीच में पूरे समर्पण के साथ काम करने के लिए तैयार है। और मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के मेरे भाइयों बहनों, आपको खुशी होगी, पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति मुझे मिले। हम इनफॉर्मल समिट के लिए इकट्ठे हुए थे, बीच बीच में हल्की फुल्की भी बातें होती थी, तो चीन के राष्ट्रपति ने मुझे बताया और बड़े गर्व से बताया। उन्होंने कहा कि मैंने दंगल मूवी देखी है और बोले आपकी बेटियां कैसा कमाल करती हैं, ये पूरा मूवी मैं बोले देख के आया हूं। जब मैं चीन के राष्ट्रपति से सुन रहा था, मुझे बड़ा गर्व होता था मेरे हरियाणा के ऊपर, मेरे हरियाणा की शक्ति पे गर्व होता था।